भाभी जी, भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं है। भाभी जी, भाभी जी, हमको आपसे कोनो बात नहीं करनी है, हम बहुत हंगरी हैं। भाभी जी, इट्स नॉट हंगरी, इट्स एंग्री, एंग्री। सही पकड़े हैं। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आप अमित जी को जानते हैं, हाँ? जबकि आपको पता है हम अमित जी के कितने बड़े फैन हैं। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, I'm sorry। माफी किस बात की? आपने हमको हॉट कर दिया। आप तो ऑलरेडी बहुत हॉट हैं। I mean हॉट नहीं, it's hurt, hurt। सही पकड़े हैं। भाभी जी, ऐसा ही है कि मेरे अमित जी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुझे अभिषेक जितना ही मानते हैं। हाँ, वो जब अभिषेक ऐश्वर्या की शादी हुई थी, हमने देखी थी, हमने सारी सारी टीवी पे देखी थी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली मैं शादी में जा नहीं पाया था, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम रह गया था कानपुर में। एक्चुअली अमित जी मेरे दूर के फूफा जी लगते हैं। That's right। और आपने हमसे ये बात छुपाई? भाभी जी, छुपाना पड़ता है। इसमें कौन सी शर्म की बात है? देखिए ना, कितने फैन हैं उनके, हर आदमी उनसे मिलना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है, लोग परेशान कर देते हैं उनको। इसलिए मैं छुपाता हूँ ये सब बातें। हाँ, वो बात तो है। एक्चुअली अमित जी कानपुर आए हुए हैं शूटिंग के लिए, तो कल उनका फोन आया था, कहने लगे झल्ले मैं कानपुर में हूँ। झल्ला कौन है? वो प्यार से मुझे कभी झल्ला कहते हैं, कभी लल्ला कहते हैं। हाय दया, झल्ले जी, आप हमको अमित जी से मिला दीजिए, बस हम आपकी ये एहसान जिंदगी भर ना ही भूलेंगे, हम आपके पैर पर। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आपकी जगह वहां नहीं, आपकी जगह तो मैं आपको अमित जी से मिलवाऊंगा, कल ही मिलवाऊंगा। लेकिन देखिए, आप उनको दूर से देख सकते हैं, उनके पास जा नहीं सकती क्योंकि उन्हें उन्हें एलर्जी है भीड़ से, पर मैं मिलवाऊंगा आपको कल पक्का। थैंक यू वेरी मच। अम्मा जी हम का भरवा भिंडी बनाए हैं पता है, लड्डू पे टिफिन में लेके गए हैं, और लड्डू के भैया लोट पोट हो गए, टहलने गए हैं। भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ। अम्मा जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, वो भरभूति जी आए हैं। हाँ, हमारे पड़ोसी। हाँ, नहीं नहीं, निकम में नहीं है वो, बड़े अच्छे इंसान हैं। बाय बाय बाय। ये आप अपनी मदर से बात कर रही थे? हाँ, नहीं नहीं, मदर इन ला। काफी स्वीट हैं। एनीवे, सुनने में आया कि आपने आज भरवा भिंडी बनाई थी। बनाए थे। वही भिंडी एक मेथी के पराठे के साथ अगर इस गरीब की झोली में डाल देंगे तो बड़ी इनायत होगी। सारी भरभूति जी, भिंडी तो खत्म हो गई। तिवारी जी पूरी भिंडी डकार गए? ये क्या कह रहे, हम तो उन्हीं के लिए तो बनाए थे, उनको भरवा भिंडी बहुत पसंद है। आप भिंडी नहीं खाती? नहीं, हम नहीं खाते। कैन यू बिलीव दिस, आप कितनी महान है कि आप खुद भिंडी नहीं खाती, लेकिन तिवारी जी के लिए कितने प्यार से, कितने चाव से आप भिंडी बनाती हैं। कैन यू बिलीव दिस, अरे हमारी वो अनिता है। अनीता जी को भिंडी पसंद नहीं है का? पसंद? उसे भिंडी से नफरत है, नफरत। और उसके चक्कर में आज 7 साल से मैंने भिंडी नहीं खाई। और तो और उसने मेरी माँ को कसम खिला दी। गरम गरम है कतई भिंडी। जल्दी खिलाना मम्मा। विभू ये लेखा खा, मेरे बच्चे खा, मैंने अपने हाथों से भरमा भिंडी बनाई तेरे लिए, बहू से छुपके। तुम्हें पता है विभू, मैं भिंडी से कितनी नफरत करती हूँ और फिर भी तुम भिंडी खा रहे हो। जब मैं नहीं खा रहा हूँ, मम्मी खिला रही है, मैंने मना भी किया, मैंने बोला अनु को भिंडी पसंद नहीं है, फिर भी उन्हें खा रहे हो। ऐसा है बहू, भिंडी से तुझे नफरत है तो तू नफरत कर, मुझे कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन मैं तो अपने विभू को भरमा भिंडी अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। हाँ सासू माँ, आप जिंदगी भर कभी भी विभू को भिंडी नहीं खिलाएंगी, आपको अपने खचेरों की कसम। लेकिन अनीता जी को भिंडी से इतने नफरत काहे है? एक्चुअली अनीता के पिताजी के ऊपर किसी ने भिंडी चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। और इस चक्कर में सब्जी मंडी की भाभियों ने सबने मिलकर
उन्हें बहुत सूता, बहुत कूटा, और ये सब बेबी अनिता अपनी फ्रॉक पहने दूर से तमाशा देखती है। वो दिन है और आज का दिन है, भिंडी खाना तो बहुत दूर की बात है, वो भिंडी का नाम तक नहीं लेना चाहती। हाय दया, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर छोड़िए ये सब यूज़लेस बातें, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप मुझे अपने हाथ से बना के भरमा भिंडी खिलाएंगी? आई स्टैंड, आई अंडरस्टैंड। सही पकड़े हैं। खिलाएंगे ना, काहे ना खिलाएंगे। अब जैसे लड्डू आएगा हम उसको बोलेंगे मार्केट से जाकर भिंडी लेके। ना अभी जी, भिंडी मैं लेके आऊंगा, एक एक भिंडी चुन चुन के लाऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ये बात आप अनिता को मत बोलिएगा, वो खाम खाम तमाशा खड़ा कर देगी घर में, यू नो। ठीक है ठीक है, हम इसे सिगरेट रखेंगे। सिगरेट नहीं भाभी जी, सीक्रेट, सीक्रेट। सही पकड़े हैं। ओके चलता हूं। भरभूति जी क्या बोले? मैंने कहा कि भिंडी आ गई है। ये लीजिए भाभी जी, और कुछ एक्स्ट्रा भी लाया हूँ ठेले पे से मार के। ये लीजिए। हम वही सोच रहे थे कि आप आए कहीं नहीं अब तक। तिखी बनाइएगा जरा चटपटी, और थोड़ा हींग एक्स्ट्रा डालिएगा उसमें। भरभूति जी, आप हमारे हाथ का लेडीज का फिंगर खाएंगे ना तो अपने फिंगर चाटते रह जाएंगे। लेडीज का फिंगर नहीं, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। सही पकड़े हैं। पासा? हाँ, क्या बोले? आई मीन इधर पासा की ना, पासा ही। रात को 8:30 बजे भिंडी बना के यहाँ रख दीजिएगा मुंडेर पे, मैं ले जाऊंगा। ठीक। भरभूति जी कहाँ हुआ, आप रो काहे रहे हैं? हम बना देंगे। मैं रो नहीं रहा हूँ, बहुत सालों बाद में भिंडी खाने जा रहा हूँ ना, इस एन इमोशनल आउटबर्स्ट, ये खुशी के आंसू है। ठीक बात, हम अच्छा बना देंगे। लूज इमोशनल हो रहे हैं भरभूति जी भिंडी को लेकर। भाभी जी भरभूति जी, गुड मॉर्निंग। भाभी जी, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड मॉर्निंग। सही पकड़े हैं। का कैसी लगी भिंडी की सब्जी? हाँ क्या बताऊं भाभी जी, रजिया मुझ तक पहुंचने से पहले ही होंडों में फंस गई। ये रजिया कौन है? भिंडी मुझ तक पहुंची ही नहीं भाभी जी। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? हम वहाँ रसोई के मुंडेर पे रखे थे और सुपर टिफिन भी तो खाली था, कौन खा गया? वो सक्सेना का बच्चा, पता नहीं कहाँ से कुत्ते की तरह सूंघता हुआ वहाँ आ गया। मेरी आंखों के सामने एक एक करके सारी भिंडी खा गया, और मैं बेसारा असहाय खड़ा देखता रहा, बेबस खड़ा देखता रहा, क्योंकि मेरे बगल में अनिता खड़ी थी। कुड डू नथिंग। भरभूति जी, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए दूसरी भिंडी की सब्जी बना देंगे। हाँ भाभी जी, मेरी उम्मीद की डोर बस आप ही से बंधी है बस। भाभी जी, भाभी जी, मैं भिंडी ले आया हूँ बड़ी जद्दोजहद से, बस इसे बना दीजिए। भरभूति जी, वो कहा है ना कि हम आपके लिए भिंडी ना ही बना सकते हैं। कहे? आई मीन क्यों? वो जो लड्डू के भैया है ना, वो हमको कसम दिए हैं कि अगर हम आपके लिए भिंडी बनाएंगे तो वो अपनी जान दे देंगे। अच्छा, तो तोड़ दीजिए कसम, अच्छा मौका है। ये क्या बोल रहे हैं भरभूति जी, वो हमारा सुहाग है, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन उनकी कसम ना ही तोड़ सकते हैं। अब गुड गुड गुड, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था, आप अपमान है। I'm sorry. भाभी जी, it's not sorry. It's I'm sorry. सही पकड़े हैं।